हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल में फोर्थ राउंड के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन सवाल बहुत सारे बच्चों का था कि पांचवा राउंड आएगा क्या, क्या उसके बाद भी राउंड आएंगे। भाई उसके बाद राउंड नहीं आएंगे, उसके बाद आएगी वेटिंग लिस्ट। ये क्लियर कर दिया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग ने, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी ने क्लियर कर दिया कि आफ्टर द राउंड ऑफ फोर आपकी क्या होगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। अब वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी वो अलग चलेगा, वेटिंग वन, वेटिंग टू, वेटिंग थ्री, इस तरह से चलेंगे। मतलब राउंड की बात क्लियर हुई और आज हम क्या बताएंगे कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी राउंड खत्म हुए हैं, वेटिंग लिस्ट जारी रहेगी। भाई पूरे 80 बच्चे होते हैं, 80 तो कंप्लीट करने हैं, मान के चलो किसी सैनिक स्कूल में वैकेंसी 80 है, 100 है, 70 है, वो तो भरनी है। तो पहले राउंड से इन्होंने देख लिया, राउंड से नहीं भरे जाने ये, इनको इनके लिए वेटिंग आएगी और वेटिंग बिल्कुल इनको फिल कर देगी सारी वैकेंसीज़ को। अब सारी क्या इंस्ट्रक्शन आई है, कैसे उसको करना है, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको। उससे पहले क्या करना है भाई आपको, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी पे आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसा नहीं कि एक ठीक है, एक अंदाजा है, वो है, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम अवेलेबल आपको करवाते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, क्या इंस्ट्रक्शन आई है, पहले देखते हैं कि क्या इनका वो आया जो आपका देखिए ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने अपलोड कर दी है। ये क्या है भाई इनका, ये क्या आपका इंस्ट्रक्शन इन्होंने अपलोड कर दी है, टोटल ये देखो, ये ठीक है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन चॉइस राउंड फोर, राउंड फोर के लिए आई है सारी इंस्ट्रक्शन। तो राउंड फोर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, चलो उसको देखते हैं एक बार, क्या इंस्ट्रक्शन है पूरी। चलिए ये भाई आपके सामने है, देखो राउंड फोर में इंस्ट्रक्शन है सारी, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये राउंड फोर में इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो कई बातें हैं, जो सबसे जरूरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसमें क्या है वेटिंग का। ये रहा, सैनिक स्कूल सोसाइटी विल प्रोवाइड अ वेटिंग लिस्ट, ये साफ साफ लिखी हुई है, ऑल द स्कूल्स बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग कैरिड आउट आफ्टर द कैंडिडेट्स। तो मतलब राउंड फोर के बाद इन्होंने क्लियर कर दिया कि इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3 जब तक वो वैकेंसी नहीं भरी जाएगी तब तक वेटिंग लिस्ट आती रहेगी। ये बात क्लियर हो गई। और भी कई सारी चीजें इन्होंने कही है, इन्होंने भाई कही है, देखो ये बात कही है कि भाई रिकंसीडर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब तक राउंड 1, 2, 3 में रिकंसीडर का ऑप्शन था, राउंड 4 में रिकंसीडर नहीं बचेगा, क्योंकि राउंड 4 अपने आप में ही लास्ट राउंड है। राउंड 4 अपने आप में ही क्या है, लास्ट राउंड है। तो इसलिए सवाल भी नहीं बनता कि राउंड 4 के बाद कोई रिकंसीडर बचेगा। दूसरा, जिन बच्चों ने राउंड 1, 2, 3 में साइन अप नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो राउंड 4 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके साथ क्या है, और आप क्या कर सकते हैं भाई, राउंड 4 के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट में आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है। अभी अगर मैं बात करूं तो सीट मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है, सीट मैट्रिक्स में कितनी वैकेंसी बची है वहां से देख के आप भर देख लेना कितनी वैकेंसी बची। देखो अभी आप देख रहे हैं कि 700-800 के आसपास वैकेंसी दिखा रहा है आपका सरकारी सैनिक स्कूल में। उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर वैकेंसी खाली चले, नहीं, वो रिकंसीडर की वजह से बची हुई है, वो रिकंसीडर की वजह से बची है और वो पहले ही भरी जा चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखना वो उसमें आ जाएगी सारी निकल के। तो ये प्रॉपर इन्होंने क्या है, प्रॉपर जो हर बार ये डालते हैं कि भाई क्या है, देखो ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ इन्होंने देखा रखा है कि कैसे आपको साइन अप करना है, क्या, बिल्कुल एकदम बहुत तरीके से ये देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को भी देखना है, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको देखो, यहाँ से आपका पूरा एकदम सबमिट होने के बाद सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, सब कुछ है, सभी बच्चों को सारी चीज़ें ऐसी पता है, रिजल्ट वहाँ से साइनअप से आता है। तो बच्चों अब सवाल ये उठता है, सर वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर आ जाएगा क्या? भाई देखो वेटिंग लिस्ट में वैकेंसी बचेंगी कितनी, सवाल तो ये भी है ना, मुश्किल से 100-200 वैकेंसी टोटल बचेंगी वेटिंग लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में 100-200 वैकेंसी एक नंबर कम हो सकता है। तो बार बार जब भी हम वीडियो लेके आते हैं तो ये सलाह बच्चों को जरूर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वेटिंग लिस्ट करते करते आपका नेक्स्ट एग्जाम भी हाथ से निकल जाए। उसके लिए क्या समाधान है, उसके लिए देखो समाधान है भाई ये, देखो उसके लिए समाधान ये हो रहा है, देखो समाधान में आपको, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ भाई, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 या इसके बाद की है, उनके लिए दूसरा चॉइस ऑप्शन है, जो अब दिसंबर में और अप्रैल में, दिसंबर में और जनवरी में अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है वो वहाँ की तैयारी में जुट जाइए। ये डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रख के, ये डेट ऑफ बर्थ है भाई असली, इसको ध्यान में रख के तैयारी में आपको जुट जाना है। क्लियर बच्चों?
तो आपको क्या करना है भाई, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल इसके बाद की है इनको जुट जाना है आपको। अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी है या एकेडमी हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके, नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, दो नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो नंबर कौन से है, ये वाले नंबर से आप कॉल कर लीजिए, 7088272711 और 9528272711। ये दो नंबर है भाई, इन दो नंबर पर आप इन दो नंबर पे कॉल करके आप लाइव के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं या एकेडमी के थ्रू, दोनों चॉइस आपके पास हैं, बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलती है। और ध्यान रखना बच्चों, हमारे यहाँ लाइव का मतलब ये नहीं है कि आपको एक जूम का लिंक दे दिया, ठीक है पढ़ लो लाइव से, नहीं नहीं, एक प्रॉपर वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे आपको पूरा होमवर्क मिलता है, आपको असाइनमेंट मिलते हैं, उसकी चेकिंग होती है, टीचर फॉलोअप लेते हैं, हमारी टीम फॉलोअप, तब जाके उसको एक रहता है। और लाइव के मामले में अब तक, लाइव में अगर बात करूँ, लाइव क्लास सिलेक्शन के मामले में हमारी एकेडमी अब तक नंबर वन रही है, हमारा लाइव में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल अकेडमी में, अगर आप हमारे हॉस्टल में इन होते हैं, इस इन का मतलब सिलेक्शन है, यहाँ पे एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है जिनको हम सिलेक्ट करा सकते हैं, ऐसा नहीं है ठीक है भाई सिलेक्शन भर लिए एडमिशन ले लिए, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास 40 का अराउंड 40-45-50 का रहता है, इस साल का यही टारगेट है हमारे पास, है भी अभी 35+, तो 40 स्टूडेंट्स है, अब तो एडमिशन भी क्लोज है, अभी ज़्यादा फीस में आपको एडमिशन मिलेगा, अब कम में नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी RIMC का 3 जून का एग्जाम है, उसके लिए हमारा सुपर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री चला हुआ है, सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप हमारी जो हमारी लाइव टेस्ट सीरीज है RIMC के लिए 1200 रुपये की सीरीज है भाई, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मैथ्स इंग्लिश और GK के साथ। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।